लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया। जहां बीते कई दिनों से प्रचंड गर्मी और उमस भरी गर्मी से लोगों की हालत खराब थी और लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था आखिरकार गर्मी से छुटकारा कैसे पाए। लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था क्योंकि सूरज की तपिश कुछ इस तरीके की थी कि घर से बाहर निकलने पर सीधे ताप लगती थी, जिसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कल रात से मौसम का मिजाज बदल गया है और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है, बिहार के लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। आपको बता दें कि राजधानी वासियों को पसीने वाली गर्मी से मंगलवार को देर रात राहत मिली है। पटना के कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बादलों ने घेरा अभी तक बनाए हुए हैं। वहीं सुबह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आसमान में बादल छा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में भारी बारिश तो कुछ जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। बंगाल की खाई में चक्रवर्ती तूफान जिस तरीके से आया उसका असर देखने को मिला है। बारिश कहीं राहत बनी है तो कहीं आफत। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 25 सितंबर से अगले 3-4 दिन तक बारिश का दौर शुरू हो सकता है। विभाग के अनुसार रात से किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले के कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 26 सितंबर को किशनगंज, अररिया, सुपौल, बांका, जमुई, नवादा जिले में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, सीतामढ़ी, शिवहर, नवादा, लखीसराय, जमुई, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और कटिहार में वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। छपरा, बक्सर, आरा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार में नदियाँ उफान पर है। यहाँ बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बारिश से स्थिति बिगड़ने के अनुमान है। पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार में गंगा का पानी जो है उफान पर है। लोग जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, ऐसे में झमाझम बारिश से बाढ़ पीड़ित को और परेशानी होगी। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 की रफ्तार में रहने की संभावना है। बारिश हो रही है और तापमान लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तापमान में लोगों को तो कहीं राहत मिली है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी हुई है क्योंकि कई जगहों में गंगा नदी जो है वो उफान पर है और इसी बीच झमाझम बारिश होने से गंगा का जलस्तर और बढ़ जाएगा, खतरे के निशान से और ऊपर हो जाएगी, जिसकी वजह से बाढ़ पीड़ितों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हालांकि बीते 4-5 दिनों से जिस तरीके का मौसम था लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जिस तरीके से मौसम ने अपना मिजाज बदला और करवट लिया उसके बाद मौसम सुहाना हो चुका है। और आपको बता दें कि हर जगह जो है वो मौसम सुहाना देखने को तो मिल रहा है, लोग इंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और आगे के 3-4 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।